मेरे दोस्त हिंदू ने कहा कि हजर अस्वद को जन्नत से क्यों लाया गया, इसमें क्या हिकमत? यही हिकमत है कि तुम्हारी तरह ये नहीं कि खुद पत्थर उठा लो और पूजना शुरू कर दो, ये आया ही जन्नत में, ये यहाँ का पत्थर नहीं है कि मैं इसको बोसे दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारे अकीदे को बातल करने के लिए अल्लाह ने इसे जन्नत से भेजा। अगर हमने पत्थर को ही बोसा देना तो बाकी पूरा काबे के पत्थर भी तो मौजूद है, हम उनको बोसा क्यों नहीं देते? कहते हैं कि हज और उम्रे में सर क्यों मुड़ाते हैं? ताकि उस कुर्बानी की याद ताज़ा हो जो सैयदना इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए दी, कि या अल्लाह हमने भी गर्दन झुका दी। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, बैंक से कर्जा ले के उम्रा बिल्कुल न लें, घर के लिए भी न लें, उम्रे को क्यों? उम्रा करना को फ़र्ज थोड़ा है कि कर्जे लो और वो भी सूद पर। अगर रमज़ान में कोई रोज़ा रह जाए तो रमज़ान के बाद कज़ा करें। कैंसर के लिए मैंने कई दफ़ा बताया है आयत लैसलहा मिन दूनिल्लाह काशिफा, जितने अगर शॉपिंग के लिए सैर के लिए उम्रा ज़रूरी नहीं है। हामिला औरत छः महीने के रोज़ों की कज़ा करे, छः महीने के रोज़े तो एक महीना होते हैं, छः महीने का क्या मतलब? अगर उसने नहीं रखे तो एक महीने की कज़ा करेगी, छः महीने की कज़ा क्यों करेगी? अगर किसी ने प्लाट ख़रीदा है उस पर साल गुजर गया है, अगर ख़रीदा है कारोबार के लिए बेचने के लिए तो मार्केट वैल्यू जो आज उसकी है उसके मुताबिक ज़कात देगा। कुछ सालों के लिए नहीं बेचता तो जब बेचेगा उतने सालों की ज़कात कट ही देगा।